हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर के आपकी समझ आ गई हूँ। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट अवेलेबल है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कॉम्पटिशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी जस्ट प्रेजेंट में एमपी टेट या एंड बिहार स्टेट दिया होगा, एंड बिहार स्टेट का आंसर की भी कल आ चुका है। ऑब्जेक्शन लगाने का डेट आज तक है एंड 18-19-20 के अंदर आपका 100% है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपका मेन एग्जाम बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट एग्जाम करेगा, टाइम नहीं देगा, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस हैं आपके यूथ कंपटीशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू का रिवीजन मैं करा रही हूँ, जिसमें से खेल मनोविज्ञान के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी टॉपिक से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है कि 9 से 11 वर्षों के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? परवर्ती बचपन, यानी कि लेटर चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था जो 6 से 11-12 वर्ष तक होती है, तो तीन भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें से 9 से 11 वर्ष आपका परवर्ती बचपन लेटरल चाइल्डहुड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास में सम्मिलित है क्या? सम्मिलित है दोस्तों तर्क और सोचना। जिसका भी मानसिक विकास अच्छा होगा वो अच्छे से तर्कपूर्वक सोचेगा, जो जैसा कह देगा वैसा नहीं मानेगा, अपना बुद्धि दिमाग भी लगाएगा क्या ये सच में सच है। ये तर्क और सोचना आ जाता है मानसिक विकास में। और यहाँ पे मानसिक विकास के क्या क्या घटक होते हैं कि माना जाएगा कि हाँ उसका सही है? संवेदना, ध्यान यानी अटेंशन, विस्मरण फॉरगेटिंग, कल्पना इमेजिनेशन, तर्क रीजनिंग, सीखना लर्निंग, भाषा लैंग्वेज, अभिवृत्ति एटीट्यूड, स्मरण रिमेम्बरिंग, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, निर्णय जजमेंट, चिंतन थिंकिंग, बुद्धि इंटेलिजेंस, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, रुचि इंटरेस्ट आदि आपके मानसिक विकास के घटक हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि तनाव है क्या? है तनाव, तनाव जो है लाभकर या हानिकर दोनों स्थिति के अनुसार हो सकता है। तनाव जो है लाभकर और हानि दोनों हो सकता है, वो भी स्थिति के अनुसार, जैसा स्थिति रहेगा, कहा नहीं जा सकता कि कब लाभकर और कब हानि हो सकता है। स्ट्रेस यानी तनाव एक दशा या परिस्थिति होती है जो एक व्यक्ति के सामान्य शारीरिक हुआ मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करती है। तनाव में प्रभाव लाभकर या हानिकर दोनों स्थितियों में अनुसार होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चों को उसके अभिभावकों एवं दूसरे द्वारा सिखाया जाता है? वह होता है आपका, जहाँ पे नैतिक मूल्य आ जाए, नैतिक मूल्य का होता है आपका सुपर ईगो। जैसे कि साइकोएनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायड ने, इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो नैतिक मन होता है। यहाँ भी बताया गया है कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरे द्वारा सुपर ईगो यानी कि सिखाई जाती है।
नेक्स्ट है खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं। जो खेल मनोवैज्ञानिक होते हैं वो समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीक का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू मापने का या जानने का प्रयास करते हैं, तो अंतरव्यक्तिक प्राथमिकताएं, जो इंडिविजुअल या डिफरेंसेज हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसकी प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। यानी व्यक्तिगत प्राथमिकता यानी कि इंटरपर्सनल परसेप्शन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है मनोलैंगिक विकास इस समय होता है। मनोलैंगिक, तो दोस्तों मनोलैंगिक विकास कब होता है, तो किशोरावस्था में, कुमारावस्था चाहे किशोरावस्था कहिए, उसी में मनोलैंगिक विकास होता है। यानी कि दोस्तों किशोरावस्था या कुमारावस्था जिसे एडोलेसेंस कहा जाता है, ये मानव जीवन के विकास की वह अवस्था होती है जिसके माध्यम से बालक परिपक्वता या प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। इस समय मनोलैंगिक भावना का विकास हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं, तो दोस्तों शरीर की संरचना में लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास, ये दो चीज़ें, या दुबला पतला शरीर या मोटा शरीर शामिल होता है। तो यहाँ पे लीन बॉडी मास यानी दुबला पतला शरीर एंड फैट बॉडी मास यानी कि मोटा शरीर आकार, यानी 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं, तो जो उत्कृष्ट एथलीट होते हैं उसमें कौन से सामान्य गुण होते हैं, तो जैसे कि काम का तरीका कैसे करना है, कौशल कैसे सीखना है, मानसिक सामर्थ्य, ये कुछ नियम यानी गुण होते हैं जो उत्कृष्ट एथलीटों में होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में विशिष्ट कौशल, उच्च मानसिक सामर्थ्य एवं काम को संपन्न करने जैसे सामान्य व्यक्तिगत गुण होते हैं जो उन्हें सामान्य खिलाड़ियों से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंडरल तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमेटोटाइप को दर्शाती है। तो पोंड्रल तालिका जो है खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में एक्टोमोर्फी बॉडी टाइप को, सोमेटोटाइप को दर्शाती है। जैसे कि सेल्डन ने 3 बॉडी टाइप, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ दिया है, जिसे सोमेटोटाइप भी कहा जाता है। तो एक पोंड्रल तालिका इन्होंने तैयार किया जिसके संदर्भ में इन्होंने एक्टोमोर्फ सोमेटोटाइप को दर्शाती है, यानी कि लंबे दुबले पतले शरीर वाले व्यक्तियों का लंबा कृतिक कहते हैं। इनका शरीर कोमल, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, इसलिए पोंड्रल तालिका खिलाड़ियों के एक्टोमोर्फी को दर्शाती है। इनमें शारीरिक शक्ति की कमी होती है लेकिन बौद्धिक कार्यों, चिंतन में इनकी शक्तियां विशेष रूप से प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्डन सोमेटोटाइपिंग में कौन सा संयोजन खिलाड़ी का सोमेटोटाइप पहचानने योग्य होता है, तो वह होता है आपका पोंड्रल तालिका, क्या होता है धड़ तालिका एंड ऊंचाई तालिका। तो ए सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है
जीवन वृत्ति योजना बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो जीवन वृत्ति योजना, आप जीवन वृत्ति की कोई योजना बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया में ये चार अवस्थाएं हैं, उसमें से सबसे पहले आप कौन चूज करेंगे और सबसे अंत में कौन चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि सबसे पहले हम स्व की पूर्ण खोज करेंगे। क्या करेंगे, कोई चीज योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले स्व की खोज करेंगे, आखिर में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, रुचि किस चीज़ में है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जीवन वृत्तियों की खोज करेंगे, फिर उस जीवन वृत्ति की प्राप्ति करेंगे, उसके बाद लास्ट में व्यक्तिगत और पेशेवर विकास करेंगे। नेक्स्ट है अभिकथन से रिलेटेड है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। अभिकथन ए है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जोर देता है कि व्यवहार सामाजिक अधिगम का फलन और स्थिति का बल है। यहाँ पे आपका ये सही लग रहा है। इसके तर्क में आर है कि किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया का किसी विशेष स्रोत को कितना श्रेय दिया जाए समझने के लिए व्यक्तित्व तथा स्थिति के बीच अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ए और आर तो दोनों सत्य हैं, बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषता केंद्रित झुकाव से स्पष्ट होता है कि खिलाड़ियों का प्रेरित व्यवहार मुख्य रूप से निम्नलिखित से प्रभावित होता है। तो जो विद्यार्थियों का प्रेरित व्यवहार किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। जब क्वेश्चन आप ध्यान से देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो कह क्या रहा है कि केंद्रीय झुकाव से स्पष्ट होता है कि खिलाड़ियों का जो प्रेरित व्यवहार है मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। तो यह जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से, एंड नीड एंड गोल से। यानी कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और आपकी जरूरतें क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इससे खिलाड़ियों का जो प्रेरित व्यवहार है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे आपका राइट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ए और सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तनाव प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है। तो इसमें से कौन है जो तनाव प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे मांसपेशी में तनाव है, ध्यान में परिवर्तन तनाव के कारण होता है, परिस्थिति जन्य दुश्चिंता होता है, परिस्थिति के अनुसार हमारे मन में चिंता भावना आती है, बट यहाँ पे वंशानुक्रम दुश्चिंता जो है यह तनाव की प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है, ये एक अलग मैटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है दोस्तों कि प्रतिक्रिया प्रक्रिया आधारित साक्ष्य रुचि के अपेक्षित चरित्रों के मापन अंकों पर बल देता है। तो ये आपका सही लग रहा है। तर्क आर है कि मनोवृत्ति, व्यक्तित्व विशेषताएं और अपेक्षित तथापि सैद्धांतिक रूप से मौजूद विशेषताओं
को प्रायः विषय वस्तु संबंधित साहित्य से विधिमान्य किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए सही है, परंतु आर जो है वह गलत है। अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि लोगों को अपना तनाव और दुश्चिंता दूर करने में सहायता करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि उन्हें मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण की बड़ी खुराक देकर उनका मनोउत्थान करना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला गया दोस्तों, इसलिए यह आपका गलत प्रतीत होता है। एंड तर्क और क्या है कि उत्प्रेरण से संबंधित भावना जैसे संज्ञानात्मक और दैहिक दुश्चिंता प्रदर्शन से संबंधित है। भावनाओं की इष्टतम रेसिपी सबसे अच्छे प्रदर्शन से संबंधित होती है। तो यहाँ पे आर सही है बट आर ए जो है गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए गलत है आर सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है सोशल लर्निंग थ्योरी, ए का वन ही होगा। एंड आक्रमण जो है, जो हमारे अंदर गुस्सा की भावना या अग्रेसिव भावना आती है, यह कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन के रिलीज होने से होता है। एंड जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है अंदर से, वो आपके आवश्यकता के अनुसार आती है, यानी कि नीड अचीवमेंट सिद्धांत पर आधारित है। और खेल सिद्धांत पर आधारित है रिकैपिचुलेशन सिद्धांत यानी पुनः अवलोकन धारा, जिसको दिया था स्टेनली हॉल ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। ये 100% राइट है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, व्यक्तिगत डिफरेंस भिन्नता पाई जाती है। इसके संबंध में तर्क आर है कि शारीरिक क्रियाकलापों को निर्धारित करने के पहले व्यक्तिगत अंतर पर यथोचित विचार कर लेना चाहिए। तो कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी निर्धारित कर रहे हैं किसी बालक के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें अन्य बच्चों से क्या अलग है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को हमको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। स्पष्ट आप समझ जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं तो उससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि परिवेश प्रभाव व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में एक अच्छा प्रभाव पैदा करता है, यानी कि परिवेश जो हमारा अगल बगल का वातावरण होता है वो व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में एक अच्छा प्रभाव पैदा करता है। तो 100% राइट है। कहा जाता है कि वाटसन ने तो ये भी कहा था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे अलग अलग वातावरण में पाल करके, किसी को चोर, किसी को डकैत, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को शिक्षक, वातावरण के अनुसार उसको बना सकता हूँ। तो ये परिवेश जो है व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में एक अच्छा प्रभाव पैदा करता है, राइट है। इसके संबंध में आर तर्क है कि परिवेश प्रभाव आंतरिक वैधता के लिए खतरा है, आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि चिंता की स्थिति एक तात्कालिक भावनात्मक अनुभव है।
सही बात है, हमारी जो चिंता ये स्थिति है सदैव तो बनी नहीं रहती। आज आप एक घंटा ज़्यादा चिंता में हैं तो फिर एक घंटा बाद खुश हो जाएंगे। तो चिंता की स्थिति एक तत्कालिक भावनात्मक अनुभव है, इमोशनल अनुभव है, जिसके कारण आशंका होता है, किसी चीज़ पर भय होता है और तनाव होता है, तथा कभी कभी इसके साथ मानसिक उत्तेजना भी होती है। इसके संबंध में अभी तर्क आ रहा है दोस्तों कि कतिपय परिवेशीय परिस्थितियों को तनावपूर्ण मानने और इन परिस्थितियों से अधिक चिंता के साथ निपटने की व्यक्तित्व स्वभाव के कारण अनुभव की जाने वाली दशा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है पर आर सही नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन से ही रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि संशक्ति में व्यक्ति कारक समूह सदस्यों की व्यक्तिगत विशेषताओं को बताते हैं। एंड तर्क आर है कि समूह सदस्यों के बीच व्यक्तिगत अभिविन्यास, संतुष्टि और व्यक्तिगत भेदों के कारण काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों सही लग रहा है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ए सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जो नेता अपनी शैली के कार्य उन्मुख और निर्देशात्मक शैली से अधिक संबद्ध बनाने और कम निर्देशात्मक शैली से समायोजित करते हैं, वे निम्नलिखित सिद्धांत का पालन करते हैं। तो कौन से सिद्धांत का ये सब पालन करते हैं इस प्रकार के नेता? तो वो आपका पालन करते हैं कौन से प्रकार के, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पारिस्थितिकीय नेतृत्व का सिद्धांत। तो अक्सर परिस्थिति के अनुसार जो सिचुएशन को समझे और उसका नेतृत्व करे, वही नेतृत्व का कार्यान्वित निर्देशात्मक शैली होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा, तो जो नेता अपनी शैली के कार्य उन्मुख और निर्देशात्मक शैली से अधिक संबंध बनाने और कम निर्देशात्मक शैली से समायोजित करते हैं, तो वे पारिस्थितिकी नेतृत्व के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। पारिस्थितिकी नेतृत्व के सिद्धांत को पॉल हर्से और केन ब्लैचर्ड ने विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी नेताओं में वे हैं जो ऋषि में अपनी भक्ति इस सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी नेताओं में वे हैं जो स्थिति में अपनी शैली को अनुकूल कर सकते हैं और कार्य के प्रकार, समूह की प्रकृति और काम करने के लिए योगदान देने वाले अन्य कारक जैसे संकुत को देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिथ कार्टर द्वारा, क्या क्वेश्चन है? हिथ कार्टर द्वारा प्रवर्तित शीर्ष से नीचे की ओर, यानी शीर्ष से नीचे की ओर उन शरीर मानकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिन्हें शरीर प्रकारों के मेसोमोर्फिक घटक के निर्धारण के लिए टेबल पर चिन्हित किया गया है। तो मेसोमोर्फिक मांसपेशी प्रधान होता है, शरीर मजबूत होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा कि ऊंचाई आपका अच्छा खासा होता है, अस्थि ह्यूमरस अच्छा होता है, अस्थि फीमर क्या कह रहा है, सिर से नीचे की ओर, यानी ऊंचाई देखेंगे सबसे पहले ह्यूमरस हड्डी आएगा, उसके बाद हमारा फीमर आएगा, फिर बाइसेप्स गिर्थ, तब बी यानी कि काफ गिर्थ आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड है कि अभिकथन ये है कि ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी में कहा गया है कि ट्रेट में अपेक्षाकृत निरंतरता और लंबे समय तक चलते रहने की प्रकृति होती है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ए आपका सही है। आर देखते हैं इसका तर्क कि विशेषताएं किसी व्यक्ति को एक विशेष रीति से तैयार करने वाली मानी जाती है, भले ही उसकी परिस्थितियाँ स्थितियाँ या पर्यावरणीय कारक कुछ भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि अप्रासंगिक जैसे लिंग, कौशल, प्रजाति और शारीरिक बनावट के कारण शारीरिक शिक्षा के छात्रों को प्रायः नुकसान होता है। तर्क आर है कि पूर्वाग्रह यानी जो पूर्व अनुमान होता है तथा एक रास्ता की पहचान करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम को कहा जाता है। तो शारीरिक बनावट से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक बनावट यानी कि स्ट्रक्चर की जहाँ पे बात हो वहाँ होगा शारीरिक शिक्षा। क्या है शारीरिक शिक्षा? यहाँ पे एनाटॉमी होता था, एनाटॉमी भी आपका राइट हो जाता। तो शारीरिक शिक्षा मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम की बात कर रहा है तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा होगा जो शरीर के सभी अंगों का अध्ययन करके लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा देता है, जिससे मानव अपने जीवन के रोग पीड़ित और दैनिक कार्यों को आसानी से करते हुए जीवन यापन कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता क्या कहलाती है? बौद्धिक समझदारी कहलाती है। क्या कहलाती है? बौद्धिक समझदारी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। यानी कोई भी व्यक्ति सही निर्णय और आलोचना किसी का तभी कर सकता है जब उसके अंदर बौद्धिक क्षमता होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के शरीर की किस्म या काय किस्म को किसने तीन श्रेणियों में एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक में वर्गीकृत किया है? तो आप सबको पता है विलियम एच सेल्डन ने। इन्होंने एंडोमोर्फिक यानी कि कोमल गोलाकार शरीर जो विनोद प्रिय, सामाजिक, लोकप्रिय समायोजन में सक्षम, मिलनसार होते हैं। मेसोमोर्फिक जो है आयताकार शरीर जो शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, सामाजिक दृढ़ता, परिपक्वता, स्थिरता, साहसी, उत्साही, निडर और सशक्त होते हैं, यानी मांसपेशी प्रधान होती है, मजबूत बॉडी की होती है मेसोमोर्फिक। एंड तीसरा होता है एक्टोमोर्फिक जो लंबकार, दुबला पतला शरीर, अस्थि प्रधान होते हैं, कम कार्यक्षमता, सुदृढ़ता, अस्थिरता, परिपक्वता पर निंदा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक आशंका का लक्षण नहीं है कौन, इसको छांटना है। सबसे पहले देखेंगे है कौन, तो मन स्थिति में उतार चढ़ाव है ये मनोवैज्ञानिक आशंका कहलाएगा। उदार यानी खिन्न भावना से रह रहे हैं वो भी कहलाएगा। लगातार चिंता कर रहे हैं वो तो और ज़्यादा कहलाएगा। बट यहाँ पे कौन लक्षण नहीं है तो चक्कर आना नहीं है। यानी दोस्तों मनोवैज्ञानिक आशंका के लक्षण हैं आपका मानसिक कल्पना, ध्यान एवं एकाग्रता, आक्रामकता, चिंता, उत्तेजन एवं सक्रियता, मन स्थिति में उतार चढ़ाव, उदासी, भिन्नता और लगातार चिंता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? किस प्रकार के लोग? निरुत्साही लोग। कौन प्रकार के लोग? निरुत्साही लोग। दोस्तों, हिप्पोक्रेटस ने बॉडी टाइप को चार भागों में बांटा है। इनका भी सेल्डन क्रेस्मर का तो पूछता ही है, सेल्डन क्रेस्मर का तो पूछता ही है, बट हिप्पोक्रेटस का भी पूछता है, हिप्पोक्रेटस का भी पूछता है। तो हिप्पोक्रेटस ने कौन कौन से चार भागों में बांटा है बॉडी टाइप को? इन्होंने चार भागों में बांटा है बॉडी टाइप को। कौन कौन से चार भाग में बांटा है? तो कफ प्रवृत्ति वाले, जिसे कोलेरिक कहते हैं, एंड काले पित्त वाले, जिसे मेलनकोलिक कहते हैं, पीले पित्त वाले, जिसे प्लेग्मेटिक कहते हैं, एंड अधिक रुधिर वाले, जिसे कहा जाता है सैंग्यूनिक। चारों की विशेषता क्या है? कफ प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, कोलेरिक जो होते हैं, शारीरिक रूप से शक्तिशाली तो होते हैं बट संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, चुस्त होते हुए भी स्वभाव से चिड़चिड़ापन होते हैं। दूसरा, काले पित्त वाले जो होते हैं, मेलनकोलिक, इस शारीरिक, काला शब्द से ही समझ लीजिए मतलब हर चीज़ से खराब, शारीरिक संवेगात्मक रूप से कमजोर और निराश दुखी। एंड पीले पित्त वाले व्यक्ति प्लाग्मेटिक जो होता है, कफ प्रवृत्ति वाले की जस्ट उल्टा है, यानी कि इसमें शारीरिक रूप से कमजोर एवं संवेगात्मक रूप से सशक्त चुस्त होते हुए भी आनंद युक्त होते हैं। चौथा है, इनका बॉडी टाइप सैंग्यूनिक यानी अधिक रुधिर वाले, जो हर चीज़ में गुड होता है, रक्त की अधिकतर मात्रा, कठोर, कर्मठ होते हैं, उत्साही होते हैं, हसमुख तथा आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त और संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं संतुलित होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतने। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, सब लोग मिलकर सॉल्व किया जाएगा। एंड दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।